नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं आपका दोस्त फिर हाजिर हूँ आपके लिए स्वास्थ्य वर्धक जानकारी को लेकर। जाने कैसे कार्बाइड से पका आम कर सकते हैं आपको बीमार। जी हाँ दोस्तों, कार्बाइड से पके आम के नुकसान के बारे में आज बात करेंगे हम। आम को देखें और खाने के लिए जी ललचाए तो रुकिए और देखें कि यह कुदरती तरीके से पकाया गया आम है या कार्बाइड और एथिलीन से पका कर दिया गया। व्यापारी माल बेचने के लिए कई नुस्खे आजमाते हैं और कार्बाइड के उपयोग से आम का छिलका पीला होकर ऐसा दिखता है कि यह पका है, मगर कार्बाइड से कई स्वास्थ्य हानियां होती हैं। तो आइए जानते हैं कि कार्बाइड से पका आम आपको कैसे कर सकता है बीमार और कितना हानिकारक है। पहले जानते हैं कार्बाइड है क्या। कार्बाइड का पूरा नाम है कैल्शियम कार्बाइड। जब इसे पानी मिलाया जाता है तो एसिटिलीन गैस का उत्पादन होता है, जो आमतौर पर आप देखेंगे कि गुब्बारे वाले उपयोग में लाते हैं। इसका ज्यादातर उपयोग इंडस्ट्री में होता है, जिसमें कार्बाइड से बने एसिटिलीन गैस को वेल्डिंग में उपयोग किया जाता है। एसिटिलीन गैस श्वास नली में जाए तो कई प्रकार के नुकसान करती है। आम के व्यापारी हर एक बॉक्स में एक छोटा सा कार्बाइड का पैकेट रखते हैं, जो आम में से निकलती नमी के साथ प्रतिक्रिया करके एसिटिलीन गैस उत्पन्न करके आम के छिलके का रंग पीला कर देती है। इसी कार्बाइड में अत्यंत जहरीले आर्सेनिक और फास्फोरस भी होते हैं। ज्यादा नुकसान इन्हीं से होता है। पहले जान लीजिए कि कार्बाइड से पके आम की पहचान क्या है। आम का छिलका बिल्कुल पीला होगा या तो पीले और हरे धब्बे वाला होगा। पकने में खुशबू नहीं आती है। काटो तो गहरा पीला और केसरी रंग नहीं होता, अंदर से हल्का पीले रंग का निकलता है। काटो तो भी रस नहीं निकलता। खाने में बिना स्वाद के और खट्टे होते हैं। छिलका चखो तो तीखा लगेगा। अब जानते हैं कार्बाइड से पके आम के नुकसान के बारे में। कार्बाइड से निकलता एसिटिलीन गैस से श्वास नली में तकलीफ पैदा हो जाती है और सीधा असर ज्ञान तंतु और दिमाग पर होता है। इसके कारण चक्कर आता है, मूड बिगड़ जाता है, नींद नहीं आती, याददाश्त शक्ति कमजोर हो जाती है और व्यक्ति बेचैन हो जाता है। आम के अंदर अगर कार्बाइड से जुड़ी आर्सेनिक और फास्फोरस दाखिल हो गए तो जहरीले हो जाते हैं और मृत्यु के भी परिणाम हो सकती है। पेट में गड़बड़ कर देता है। कार्बाइड से पके आम के अंदर एसिटिलीन रसायन या तो फास्फोरस और आर्सेनिक घुस जाएं और इसका सेवन किया जाए तो पेट में अत्यंत गड़बड़ी हो जाती है, उल्टी होती है, दस्त हो जाते हैं और दर्द होता है। ये जहरीले तत्व से आंत के अंदर के स्तर को नुकसान होता है, जिससे पोषण से ठीक नहीं हो पाता। यकृत को भी नुकसान करता है। कार्बाइड से पके आम एलर्जी तो पैदा करते ही हैं, मगर इनका गहरा असर यकृत पर होता है और ऐसे आम खाते रहे तो आते दिनों में ही पीले होने की संभावना रहती है। यह लक्षण खास करके फास्फोरस और आर्सेनिक तत्वों से होते हैं। ऐसे तत्वों के कारण छाती में जलन होती है, प्यास लगती है, गले से नीचे खाना उतरने में कष्ट होता है, मुंह में जलन और फोड़े भी हो जाते हैं। कार्बाइड में से निकलती एसिटिलीन गैस सीधा असर करती है फेफड़े की श्वसन क्रिया पर और इससे नुकसान यह है कि व्यक्ति को लगता है कि दम घुटने लगा है, ऑक्सीजन का शोषण नहीं हो पाता, दिल पर और असर गुर्दे पर असर, लहू पर असर और फिर दिमाग पर असर हो जाता है। तो कैसे करें बचाव दोस्तों? अगर गलती से कार्बाइड से पके आम आ गए हैं तो आपके हाथों में तो पानी के अंदर आधे घंटे तक रखें और अच्छी तरह से छिलके को साफ करें, सावधान से छिलका निकाल दें, गुर्दे का उपयोग करें। बेहतर है कि कार्बाइड से पके आम की पहचान करना सीखें और ना खरीदें, कच्चे आम ही खरीदें और घर में पकाएं। कार्बाइड से उत्पन्न होने वाली एसिटिलीन गैस और कार्बाइड में रह रहे फास्फोरस और आर्सेनिक जहर समान है, तो ऐसे आम से हमेशा दूर ही रहें दोस्तों। तो ये थी आज की जानकारी कार्बाइड आम के बारे में। तो कैसे लगी आपको ये जानकारी दोस्तों, हमें बताएं। लाइक करें हमारी वीडियो को, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो सीधे आप तक पहुँच सकें। अब अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।